अब ये स्पेशल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सभी एज के बप्स के साथ में सभी एज के बेबीज के साथ में है वो छोटा है बच्चा एक महीने का है डेढ़ महीने का दो महीने का एक साल का दस साल का जो भी है कितनी एज के बच्चे को हम कॉलर डाल सकते हैं कब डालना चाहिए कैसा डालना चाहिए क्यों डालना चाहिए क्यों नहीं डालना चाहिए सब चीज़ डिस्कस करेंगे या हमारा बच्चा सीख ही नहीं पा रहा हम दो दिन से ट्राई कर रहे हैं हमने चार पाँच बारी ट्राई किया एक दिन में चार पाँच बारी ट्राई कीजिए छोटे बच्चे को मजबूर नहीं किया जाता छोटे बच्चे को सिखाया जाता है कम्फर्टेबल किया जाता है आ, हम वे से उसे सिखा पाए कंफर्टेबली सिखा पाएं तो आप कुछ भी सिखा सकते हैं और साथ में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो so दैट आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिस ना करें एंड मेक श्योर आपका जो बेल का बटन है वो ऑन रहे क्योंकि बहुत बड़ी होता है हम सब्सक्राइब कर लेते हैं बेल का बटन ऑफ रहता है और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो जाएंगे हेलो एवरी वन आई एम योर फ्रेंड योर होस्ट बादल भंडारी एंड आ वेलकम योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉर डियर फ्रेंड्स मैं पिछले 24 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूँ और मैं फेवरेस्ट हूँ मैंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ इन फोर बेबीज़ के लिए डिवोट की हुई है मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सब के साथ में टाइम स्पेंड करना इनके साथ में बातें करना और इनके बारे में बातें करना और आज मेरे साथ में बहुत ही प्यारा सा सेंट बनाड बेबी है और ये मेरी फेवरेट ब्रीड है मेरी पर्सनली मेरी और मेरी बेटी इबादत की पर्सनल ब्रीड है फेवरेट ब्रीड है ये बच्चा नए घर जाने वाला है कुछ दिन में ये 40 डेज़ प्लस है और ये 40 डेज़ प्लस 45 डेज़ प्लस जब हो जाएगा तो नए घर चले जाएगा आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ मैं कि इस बच्चे को या हम किसी भी बच्चे को कॉलर और बेल्ट कब इंट्रोड्यूस करें हमें इन्हें कॉलर और बेल्ट कब डालनी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर हम लेट कर देते हैं या हम बहुत जल्दी कर देते हैं कॉलर बेल्ट डालने के लिए ज़्यादा लेट करना भी गलत है ज़्यादा जल्दी डालना भी गलत है अब जैसे ये 40, 45 डेज़ के करीब का बेबी हो तो उसको कॉलर डालिए इसलिए डालना चाहिए 40-45 डेज के बेबी को कॉलर सो so दैट हम उसे कॉलर डालने की हैबिट बना सकें जब हम फर्स्ट टाइम इसे कॉलर डालेंगे तो इसको इचिंग भी होगी इसको बहुत बड़ी लोग कहते हैं भैया हमारे डॉग को स्किन की प्रॉब्लम हो गई स्किन की प्रॉब्लम तब आती है डॉग को जब हम पुअर क्वालिटी का कॉलर यूज़ करते हैं अक्सर हम सोचते हैं कॉलर यूज करना है कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा भी दे दो भैया सस्ता वाला दे दो बाद में चेंज तो करना ही पड़ेगा अरे चेंज करना पड़ेगा इट्स ओके okay, लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए हार्ड स्टफ़ का कॉलर मत लीजिए इट शुड बी वेरी सॉफ्ट वेरी लाइट स्टील बक्कल ना हो प्रेफरेबली इतने छोटे बच्चे को डालना बिकॉज स्टील बक्कल का अपना वेट रहता है अभी ये कॉलर है इसके लिए मैंने पकड़ा एक बहुत अच्छी सुपेरियर क्वालिटी का और ये मैं इसको डाल रहा हूँ इसके नेक पे और जब लोग बोलते हैं कि हमारा डॉग जो इचिंग करता है उसको इचिंग हो गई बहुत बड़ी इचिंग नहीं होती वो अनकंफर्टेबल फील करता है नया कॉलर डालने के लिए हम भी कोई नई चीज़ करेंगे तो शायद हम लोग भी इतने बड़े होने के बाद में अपनी भी मैं बात करूँ तो शायद मैं कम्फर्टेबल ना फील करूँ तो इस बेबी की अगर मैं बात करूँ इसकी तो हैबिट बनानी पड़ेगी जब हम कॉलर डालते हैं लाइट वेट कॉलर बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉलर डालना चाहिए दिन में 10-15 मिनट आधा घंटा सुबह डालिए 15-20 मिनट आधा घंटा दोपहर को इतना ही शाम को डालिए और उतार लीजिए शुरू में वो इचिंग करेगा अपने ईयर के पीछे यहाँ पे इचिंग करेगा नेक से कॉलर उतारने की कोशिश करेगा बिकॉज ही इज़ फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल वो वैसा ही है जैसे किसी बच्चे ने टाई नहीं लगाई कभी भी या किसी किसी इंसान ने टाई नहीं लगाई उसको टाई लगाने को डल जाएगी डालनी पड़ेगी तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील करेगा सेम इन बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है बेजुबान बच्चे हैं सबसे पहले हमें इन्हें सिखाने के लिए पेशेंस रखनी है दूसरा हमारे पास में थोड़ा सा टाइम होना चाहिए और तीसरा बहुत सारा प्यार होना चाहिए जब हम इन्हें प्यार से सिखाएंगे तो ये सीखेंगे जब हम इन्हें फोर्स करने की कोशिश करेंगे हमने कॉलर डाल दिया है कैसे उतार रहा तू क्यों उतार रहा मैं तेरी पिटाई करूंगा दैट इज नॉट द सोल्यूशन ओम आपको नहीं कह रहे आपको नहीं कह रहे आप क्यों टेंशन ले रहे हो अच्छा 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 जब हम बच्चे को कॉलर डालते हैं तो उसे कंफर्टेबल करना उसे पैम्पर करना उसको लाड करना बहुत जरूरी है अदरवाइज़ उसको जब हम कॉलर डाल के हम उसको अकेला छोड़ देंगे तो उसको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा थोड़ी देर के लिए डालिए उतार लीजिए थोड़ी देर के लिए फिर डालिए उतार लीजिए फोर फाइव डेज़ उसको कंटिन्यू कीजिए फोर फाइव डेज़ कंटिन्यू करने के बाद में उसको बेल्ट इंट्रोड्यूस कीजिए कॉलर की हैबिट बन गई है अब हम इसे कॉलर के साथ में एक हल्की सी बेल्ट इस तरह की हल्की सी कोई भी बेल्ट ले लीजिए ये मैं इसको बेल्ट लगाऊंगा लेकिन बेल्ट लगा के बेल्ट लगाने का मतलब यह नहीं है कि हम उसे एकदम से दूसरे रूम में ले जाएं बाहर ले जाएंगे ओपन में ले जाएंगे और डॉग कंफर्टेबली चल लेगा ऑफकोर्स नॉट डॉग विल फील वेरी अनकंफर्टेबल उसको लगेगा पता नहीं क्यों फंदा डाल दिया मुझे वो चुचू कर रहे हो आप आप तो चुचू कर रहे हो वीडियो में ओके बच्चे को कंफर्टेबल फील कराना उसके लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स इस बेबी को कॉलर और बेल्ट की हैबिट बनाने के लिए मैंने एक स्नैक्स लिया है इसका फेवरेट छोटा सा बारीक सा जो छोटा बच्चा खा सके जिसका फ्लेवर अच्छा हो बिकॉज बहुत बारी हम स्नैक्स ले आते हैं और बच्चा उसे पसंद भी नहीं करता आप देखिए इसे कंफर्टेबली वो च्यू करने की कोशिश कर रहा है इसको थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करवा के दो तीन मिनट च्यू करने देंगे उसके बाद में हम इसे फाइव मिनट्स की प्रैक्टिस करवाएंगे बेल्ट के साथ में एक रूम से दूसरे रूम के लिए जैसे अभी मैं अपने ओक के शोना बीबी और कॉलर बड़ा हल्का सा डालना है स्ट्रॉन्गली नहीं डालना है ये देखिए ये 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 रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहिए ये रहा, ये रहा इसको थोड़ा थोड़ा खिलाते रहिए और चलाते रहिए अब वो उसका जो ध्यान था कॉलर पे जो बेल्ट पे ध्यान था कि मेरे गले के साथ में पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने वो उसके माइंड से निकल गया अब उसका जो ध्यान है वो खाने में चले गया बच्चे को हमेशा माइंड डाइवर्ट करके उसको खिलाना है थोड़ी सी पेशेंस रखनी है जब भी कुछ सिखाना है पेशेंस जरूर रखनी है अब मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ इस बच्चे के साथ मैं पेशेंस रख के बना रहा हूँ वो खेलना चाह रहा है वो उसे अचीव करना चाह रहा है लेकिन उसको अगर इसका टेस्ट अच्छा है मैं डेवलप नहीं करवाऊंगा उसे टेस्टी सा लगेगा नहीं ये खाना तो वो क्यों इसे खाना चाहेगा या क्यों वो मेरे साथ में चलना चाहेगा लेकिन अब उसे मैंने ये दे दिया और मैं इसे हल्का हल्का मिसाल चलाने की कोशिश करता हूँ उसका जो माइंड है उसका जो माइंड है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं ये लो 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 आ करके आप अगर जैसे अभी मैं इसके साथ मैं बेबी के साथ में खेल रहा हूँ मस्ती करवा रहा हूँ इसको अच्छा फील करवा रहा हूँ नहीं खोल इसको नहीं चीव करते इसको चीव नहीं करते गुच्छा नहीं करना गुच्छा नहीं करना जैसे मैंने आपको बताया स्नैक्स दिखा के थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवा दीजिए जैसे लंबी स्टिक है छोटा सा पीस एक तोड़ के इसको दे दिया अचीव करने को जब एक इसने खा लिया दोबारा दे दिया दो तीन बारी देने के बाद में फिर आपने इसे थोड़ा सा दिखाया और अपने पीछे पीछे चलाया सो so दैट इसको टेस्ट डेवलप हो जाए और उसको पता हो कि ये चीज मुझे मिलती भी है और मुझे ये अच्छी लगती है अगर किसी इंसान को या किसी पेट को कोई चीज पसंद ही नहीं है और हम उसे ज़बरदस्ती देने की कोशिश करेंगे तो वो उसे पसंद नहीं करेगा अब ये देखिए ये जो बच्चा है अब ये कॉलर के साथ खेलने लग गया ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एक और चीज़ को कवर कर रहा हूँ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है अक्सर लोग कहते हैं भैया हमारा जो पप है ना वो बेल्ट को बहुत चीव करता है अपनी बेल्ट को बहुत चबाता है वो उसको खेलने के लिए अच्छा लगता है उसको मस्ती करने के लिए अच्छा लगता है उसको लगता है सॉफ्ट चीज़ है चीव करेंगे मस्ती करेंगे खाएंगे लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि इसकी हैबिट बनानी है हैबिट बनाने में पाँच से सात दिन लगेंगे विद इन फाइव सेवन डेज आप देखेंगे आपका जो बेबी है जो आपका पेट है वो बेल्ट लगा के एक रूम से दूसरे रूम में दूसरे रूम से लॉबी में लॉबी से थर्ड रूम में उस तरह से पूरे घर में फ्लैट हो चाहे आपका बड़ा घर है कुछ भी है वो कंफर्टेबली चलना शुरू हो जाएगा डियर फ्रेंड्स मैं बता रहा था कि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हैबिट जो अपने पेट की हैबिट नहीं बना पाते कॉलर के साथ में वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं पैनिक हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं उनको लगता है यार हम अपने बच्चे को सिखा ही नहीं पा रहे या हमारा बच्चा सीख ही नहीं पा रहा हम दो दिन से ट्राई कर रहे हैं हमने चार पाँच बारी ट्राई किया एक दिन में चार पाँच बारी ट्राई कीजिए एक दिन में चार पाँच बारी पाँच पाँच मिनट के लिए उसके साथ में पेशेंस रख के ट्राई कीजिए और जो स्नैक्स वो पसंद करता है वो स्नैक्स दीजिए अगर कोई सॉफ्ट जरकी टाइप पसंद करता है तो वो दीजिए स्ट्रिप्स पसंद करता है तो वो दीजिए अगर कच्चा पनीर खाना चाहता है तो वो छोट छोटा सा पनीर का पीस दिखा के उसको वो करवाइए उसको साथ में जब आप चलाना सिखा देंगे अपने साथ चलना सीख जाएगा उसको खेल खेल में सिखाना है उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब सीख गया कब वो बेल्ट के साथ कम्फर्टेबल हो जाएगा हमें उसे कम्फर्टेबल करना है हमें उसे मजबूर नहीं करना छोटे बच्चे को मजबूर नहीं किया जाता छोटे बच्चे को सिखाया जाता है कंफर्टेबल किया जाता है जब हमने छोटे बच्चे को अपने ह्यूमन बेबी को स्कूल भेजना होता है तो बहुत बड़ी होता है बच्चे रोते हैं वो बोलते हैं हम स्कूल नहीं जाएंगे हम ये हम वो बहुत सारे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है लेकिन आ, अगर हम उसे पेशेंस रख के प्यार से साइकोलॉजिकली अच्छे से हैंडल करके अगर हम चलेंगे तो हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए बहुत कम्फर्टेबल रहेगा उसी तरह से ये भी हमारे बच्चे हैं एंड ऑफकोर्स अगर आ, हम ईजस्ट वे से उसे सिखा पाएं कंफर्टेबली सिखा पाएं तो आप कुछ भी सिखा सकते हैं डॉग्स आर वेरी इंटेलिजेंट कोई भी ब्रीड है ऐसा नहीं है कि कोई डफर ब्रीड होती है ऑफ कोर्स नॉट सारे इंटेलिजेंट हैं बहुत अच्छे हैं चाहे वो स्ट्रे डॉग हैं चाहे वो कोई ब्रीडेड डॉग हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं डिपेंड करता है ऑनर पे हम उसे कैसे सिखाते हैं हम उसे कैसी पेशेंस रखते हैं बनाना और बिगाड़ना टेम्परमेंट ऑनर के हाथ में है, हम बाद में डॉग को कल पे ठहरा जाते हैं कि ये ब्रीड ऐसी है ये डॉग ऐसा है लोगों का अच्छा है हमारा बुरा है ऐसा कुछ नहीं सबके बहुत अच्छे होते हैं सिर्फ हैंडलिंग का फ़र्क होता है आ, ये जो वीडियो बनाया पपी को हैंडल करने के लिए उसको कॉलर बेल्ट की हैबिट कैसे बनानी है और कब डालनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए बेल का बटन ज़रूर ऑन रखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिस ना करें शायद यहाँ करेंगे मुझ पर आप पे हमारे पेट्स पे लव यू ऑल यूर फ्रेंड